इस वीडियो में हम देखेंगे 10th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इस चैप्टर में हमको देखना है ह्यूमन आई के डिफेक्ट्स, और कलरफुल वर्ल्ड वाले पार्ट में हमको देखना है प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म में डिस्पर्जन ऑफ लाइट कैसे होता है, रेनबो फॉर्मेशन भी देखना है और स्कैटरिंग ऑफ लाइट। 5-6 कुछ मेन कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में। तो ह्यूमन आई से शुरू करते हैं, ह्यूमन आई के इंट्रोडक्शन से। तो ह्यूमन आई जो है वो एक सेंस ऑर्गन है। सेंस ऑर्गन क्यों? क्योंकि हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में देखा कि जिस भी ऑर्गन के अंदर रिसेप्टर्स पाए जाते हैं वो बन जाता है सेंस ऑर्गन रिसेप्टर, क्योंकि हमारी आई के अंदर फोटो रिसेप्टर होते हैं। इट हेल्प अस टू सी, ये हमको देखने में मदद करता है। लोकेटेड इन आई सॉकेट इन स्कल। तो स्कल सबने देखी कुछ इस टाइप की दिखती है। तो यहाँ पे दो आई सॉकेट होते हैं, इसके अंदर हमारी जो आई है ना वो लोकेटेड होती है। इसका डायामीटर कितना है आई बॉल का? 2.3 सेंटीमीटर। कभी कभार पूछ लेंगे कि आई सेंटीमीटर का डायामीटर क्या होगा, 2.3 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। पहले इसका डायग्राम देख लो ताकि समझ में आ जाए। अब पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई में बाहर से शुरुआत करते हैं। ये होता है हमारा कॉर्निया बाहर, इसके अंदर ये वाला जो सरफेस है ये होता है हमारा आइरिस, ये दिख रहा है जो मेरे कलर खराब अभी इतना, और बीच वाला इतना हिस्सा होता है प्यूपिल। फिर यहाँ जो पीछे है ना ये है हमारी सीलियरी मसल, जो येलो कलर की दिख रही होंगी, ये येलो कलर वाली है हमारी सीलियरी मसल। सीलियरी मसल ने हमारी आई लेंस को पकड़ा हुआ है, या फिर इसको क्रिस्टलाइन लेंस भी बोलते हैं, ये लिखा क्रिस्टलाइन लेंस। पीछे है हमारा रेटिना और ये हमारी ऑप्टिक नर्व जा रही है, ठीक है। तो हमको और फिर यहाँ पे भरा होता है एक्वस ह्यूमर, और यहाँ पे इतने हिस्से में भरा होता है हमारा विट्रस ह्यूमर, ठीक है। तो हमको देखना है क्रिस्टलाइन लेंस को, एक्वस ह्यूमर को, प्यूपिल बता दिया, आइरिस भी बता दिया, कॉर्निया भी मैंने बाहर वाला हिस्सा बता दिया, ये वाला है हमारा विट्रस ह्यूमर, ऑप्टिक नर्व भी बता दिया, रेटिना और सिलियरी मसल भी बता दिया। आप इन सभी के एक बार फंक्शन देख लेते हैं, ठीक है। पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई से शुरुआत करते हैं। पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई कॉर्निया। कॉर्निया इज द आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट पार्ट, इट प्रोवाइड्स मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब देखो हमारी आई जो है कुछ इस टाइप की है, तो इसके अंदर जो भी लाइट आ रही है उसको कहाँ क्या कहते हैं रेटिना पे इसे क्या कहते हैं मर्ज करना होता है। तो जो भी ये लाइट आती है ना इसका क्या करना होता है, रिफ्रैक्शन करना पड़ता है इसका यहाँ पर रिफ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ से जो क्रिस्टलाइन लेंस है, लेंस होती है हमारी लेंस, तो हमको पता है कि क्रिस्टल यानी कि एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से बनी होती है, तो वहाँ पर होता है रिफ्रैक्शन। तो ये जो रिफ्रैक्शन है ना यही हमको वो जो इमेज ये जो लाइट रेज है उसको एक जगह पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करने में हेल्प करता है। तो कॉर्निया ही सारा मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन कर देता है, तो कॉर्निया तो करेगा ही, फिर अंदर जो लेंस है वो भी रिफ्रैक्शन करेगी। मतलब रिफ्रैक्शन शुरुआत हो जाती कॉर्निया में ही, फिर लेंस उसको थोड़ा और रिफ्रैक्ट कर देती है। लेंस देख लो, इट इज़ कम्पोज ऑफ फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल। अब ये जो लेंस एकदम कांच की लेंस नहीं, इसके अंदर जेली लाइक मटेरियल है। ये खचाए तो अपने आप को पतली कर सकती है, अपने आप को मोटी कर सकती है उसके हिसाब से, ठीक है। प्रोवाइड फोकस्ड रियल इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन रेटिना, एकदम फोकस की रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बना देती है रेटिना के ऊपर। हमने देखा है ये कॉन्वेक्स लेंस होती है, भाई दिख ही रहा है ऐसी लेंस क्या है, कॉन्वेक्स है, ये कन्वर्ज करती लाइट को रेटिना पे। आइरिस जो है वो डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल। हमारी जो आई है सामने से अगर देखें तो हमारी आई कुछ इस प्रकार, तो ये वाला जो पार्ट है ना ये आइरिस होता है। ये चाहे तो इसको प्यूपिल, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो ये बड़ा कर लेता है प्यूपिल को, रिलैक्स्ड रहे तो ये छोटा भी कर सकता है। तो यानी ये प्यूपिल की साइज को कंट्रोल करता है आइरिस। प्यूपिल क्या होता है, इट इज़ अ विंडो ऑफ द आई, क्योंकि यहीं से जो प्यूपिल है ना यहीं से सारी इस प्यूपिल से सारी लाइट हमारी आँख में एंटर करती है। इट इज़ द सेंट्रल अपर्चर इन आइरिस, आइरिस के एकदम सेंटर में पाया जाता है। इट रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ आई एंटरिंग द आई। अगर प्यूपिल बड़ा हो जाएगा तो ज़्यादा लाइट आएगी, अगर छोटा प्यूपिल रहेगा तो कम लाइट आएगी। रेटिना, इट इज़ अ डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग इनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल। हमारी जो पीछे स्क्रीन होती है जहाँ पर ऐसे सारी की सारी रे हमारी ऐसे कॉन्सेंट्रेट होती फोकस होती है वहाँ पर, यहाँ पर बहुत सारे फोटो सेंसिटिव सेल्स पाए जाते हैं। तो ये फोटो सेंसिटिव सेल्स लाइट को एमिट करते हैं और एक अच्छा फोटो बनाकर ऑप्टिक नर्व से ब्रेन को सिग्नल्स पहुंचा देते हैं। फार पॉइंट देखते हैं। फार पॉइंट क्या होता है, जैसे कि देखो ये कोई नॉर्मल आई है, ठीक है, अब ये कितना दूर तक देख सकती है उसको बोलेंगे फार पॉइंट, ठीक है, और ये कितना पास तक का देख सकती है क्लियरली एकदम अच्छे से बिना कोई प्रेशर के, तो उसको बोलेंगे नियर पॉइंट।
अब देखो दूर का तो क्या, अपन मून देख लेते हैं, अपन सन देख लेते हैं, अपन कितने सारे स्टार्स देख लेते हैं जो इन्फिनिटी तक दूर होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारा फार पॉइंट जो मैक्सिमम डिस्टेंस एट विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली इज फार पॉइंट ऑफ द आई फॉर अ नॉर्मल आई इट्स वैल्यू इज इन्फिनिटी। याद रखना है इन्फिनिटी। तो अब देखना है नियर पॉइंट। जो नियर पॉइंट जो है ना वो होता है वो इतना पास का डिस्टेंस जो हमारी आँख देख सकती है बिना कोई एफर्ट लगाए, यानी कि उस पर कोई जोर ना पड़े। तो मिनिमम डिस्टेंस एट विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टिवली विदाउट एनी स्ट्रेन, यानी आँखों पर जोर नहीं पड़ना चाहिए। तो वो क्या होता है हमारा, इट्स वैल्यू इज 25 सेंटीमीटर। तो हमने क्या देख लिया, रेंज क्या है ह्यूमन आई की, कभी कभार पूछ लेते रेंज। तो 25 सेंटीमीटर से लगा लेकर हमारा इन्फिनिटी तक हमारी जो आई होती है ना वो देख सकती है, 25 से इन्फिनिटी तक। अकोमोडेशन ये कहता है कि जो हमारी आई लेंस है, ठीक है, ये आई लेंस जो जेली लाइक सब्सटेंस से बनी, तो ये या तो अपने आप को पतली कर सकती है या फिर अपने आप को मोटा भी कर सकती है। तो जब ये पतली हो जाती है तो इसकी जो फोकल लेंथ है वो बढ़ जाती है, और जब मोटी रहती है इसकी फोकल लेंथ छोटी हो जाती है। तो ये फोकल लेंथ बढ़ाना और फोकल लेंथ कम करना ही पावर ऑफ अकोमोडेशन कहलाता है, ठीक है, वही ऊपर लिखा होगा, देखना। द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इस फोकल लेंथ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे डिफाइन में, इज कॉल्ड अकोमोडेशन। फोकल लेंथ कैन बी चेंज विद द हेल्प ऑफ सीलियरी मसल। अभी जो आई लेंस है ये अपने आप को पतला एंड मोटा कैसे करती है, तो ये सीलियरी मसल्स, अभी सीलियरी मसल्स अगर ये आई है ये नॉर्मली पतला ही रहता है, अगर सीलियरी मसल इसको ऊपर खींचेंगे तो ये मोटा हो जाता है। जब सीलियरी मसल अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मोटा होगा, और रिलैक्स्ड रहेंगे ना तो ये लेंस पतला ही रहेगा। फोकल लेंथ इंक्रीज व्हेन सीलियरी मसल्स आर रिलैक्स्ड, मैंने बोला वो पतला ही रहेगा अगर फोकल लेंथ बड़ी है तो वो पतला है, ठीक है, तो जब वो सीलियरी मसल रिलैक्स रहेगी। लेकिन जब वो मोटा हो जाएगा, मोटा करने के लिए सीलियरी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और फोकल लेंथ कम हो जाएगी, ठीक है। सो फोकल लेंथ डिक्रीजेस एंड सीलियरी मसल्स गेट कॉन्ट्रैक्ट एंड लेंस गेट थिक, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना पड़ता है, कभी कभार ये MCQs में पूछ लिया जाता है, ये MCQ में बहुत बार आया है। आगे देखते हैं। हाँ, अब तो सारे आई डिफेक्ट से शुरू हो गए, आई के जो भी डिफेक्ट्स होते हैं। पहला हमारा डिफेक्ट होता है मायोपिया। मायोपिया का मतलब होता है नियर साइटेडनेस, मतलब पास का दिखता है लेकिन दूर का नहीं दिखता। नियर साइटेडनेस का मतलब है हमको नियर ऑब्जेक्ट्स दिखेंगे लेकिन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है ये फिर दूर रखे ऑब्जेक्ट नहीं दिखेंगे। मायोपिक पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, सबको पता है, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। इमेजेस फॉर्म्ड ऑन द इज इन फ्रंट ऑफ रेटिना, यहाँ जो हमारी इमेज होती है ना वो रेटिना से पहले ही बन जाती है। हमारी जो आई लेंस है वो थोड़ी थिक हो जाती है, या हमारी जो आँख है वो थोड़ी बड़ी हो जाती है, इसके कारण हमारी जो इमेज है ना वो पहले ही बन जाती है यहाँ पर, ठीक है, बनना यहाँ पर चाहिए था पर हमारी इमेज यहीं बन जाती है। कॉजेस क्या है, या तो कर्वेचर बन गया आई लेंस का, या फिर हमारी आँख की जो आई बॉल है वो इलांगेट हो गई हो, ठीक है, या फिर कर्वेचर आई लेंस बहुत ज़्यादा ही ऐसे कर्व हो में आ गए। करेक्शन क्या करें भाई, कॉनकेव लेंस लगा दो। इट इज़ डन बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट पावर। इन अ मायोपिक आई इमेज ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना एंड नॉट ऑन द रेटिना, मैंने बता दिया हमारा रेटिना जो है उसके आगे इमेज बनती है पीछे नहीं बन पाती। अब देख लो इसको डायग्रामेटिकली, मायोपिक आई में क्या है, इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना एंड नॉट ऑन द रेटिना, यहाँ पर दिख ही रहा है हमको, ठीक है, यहाँ पर हमारा पहले बन गया, बनना यहाँ चाहिए था। तो हम क्या करते, क्योंकि देखो लाइंस जो आ रही है ना वो दूर से आ रही है, अब क्या करते हैं, देखो दिमाग लगाओ हमें कितना है इन लोगों में हमारा जो नियर पॉइंट है ना वो तो ठीक से दिख रहा है हमको, जो पास की चीज़ें हैं ना वो दिखती है लेकिन यहाँ पे जो चीज़ रखी वो नहीं दिखती। तो अगर मैं इस यहाँ रखी हुई चीज़ को कुछ भी करके यहाँ ले आऊँ जहाँ मुझे दिखता है तो ये तो दिखने लगेगा, मतलब ये जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, अगर उसकी इमेज में कोई भी लेंस के द्वारा यहाँ बना लूँ पास में तो वो मुझे दिखने लगेगा। तो ये यहाँ पे इमेज बनाने के लिए मैं लगाता हूँ एक कॉनकेव लेंस। अब इसको देखना, देखो समझ लो यहाँ कैंडल रखी है, क्या रखी है कैंडल, यहाँ तक मेरे को दिखता है ये मेरा फायर पॉइंट नियर पॉइंट है, यहाँ तक मेरे को दिखता है ये रेज आई कैंडल की,
यहाँ पर डिफ्लेक्ट होकर, अब ध्यान से देखो इसने इमेज यहाँ बना दी कैंडल की, अब एक और कैंडल उसने यहाँ बना दी, ये कैंडल मैं देख लेता हूँ और मेरी रेटिना पर इमेज बन जाती है। ये समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन एक बार समझ में आ जाएगा ना तो बहुत ईजी पड़ेगा। समझ लो रियल जो कैंडल रखी है वो यहाँ पर रखी हुई है, इसकी इमेज जो है ना ये कॉन्वेक्स लेंस ने यहाँ बना दी, इसके कारण मेरे को ये कैंडल अभी भी दिखने लग गई, क्योंकि अब मेरे को नियर पॉइंट की चीज़ें दिखती है लेकिन फार पॉइंट की नहीं दिखती। तो इसने यहाँ पर कैंडल बना दी इसलिए मुझे ये कैंडल दिख पा रही है, ये यहाँ पर मेरा फार पॉइंट है। इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना, ये थोड़ा सा और आगे होना चाहिए ताकि आपको समझ में आ सके। अगर मेरी जो दूर से रेज आ रही वो मैं नहीं देख पा रहा हूँ, पास में आए वो दिखती है, इसलिए दूर रखी हुई चीज़ जो थी ना वो मैंने पास में ले आया ताकि मुझे दिखे, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे देखते हैं हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया यानी फार साइटेडनेस, दूर की चीज़ें दिखती है लेकिन पास की नहीं दिखती। अफेक्टेड पर्सन कैन सी फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट नॉट नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, द नियर पॉइंट ऑफ द आई मूव्स अवे, यानी जो नियर पॉइंट है ना आंखों का जो नियर पॉइंट होता है वो दूर चला जाता है। इमेज इज फ्रॉम बिहाइंड द रेटिना, अब हमारी जो आँख होती है उसकी जो इमेज है वो रेटिना से भी पीछे बनती है। या तो इसको ये कॉज हो सकता है कि आँख छोटी हो गई है, या फिर हमारी जो आई लेंस है ना वो बहुत ज़्यादा पतली हो गई है, यानी ठीक है फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस बिकम टू लॉन्ग, मतलब फोकल लेंथ अगर हमारी लेंस पतली हो जाएगी तो फोकल लेंथ बहुत बढ़ जाएगी, ठीक है, और आई बॉल जो है ना वो छोटी बन गई, जो मैंने आपको दो कारण बता दी। करेक्शन में क्या करें भाई, कॉन्वेक्स लेंस लगा दो। अब देखो हमको फार पॉइंट की चीज़ें दिख रही है, नियर पॉइंट की चीज़ नहीं दिख रही है, और ये मेरी आँख। अब अगर मैंने यहाँ पे जो कैंडल रखी है उसकी इमेज अगर मैं पीछे बनवा दूँ वो मुझे दिखने लगेगा, क्योंकि ये वाली जो कैंडल की इमेज है ये तो पीछे बन रही है, ठीक है, लेकिन यही कैंडल अगर मैं पीछे इसकी इमेज बनवा दूँ, पीछे का मुझे दूर का दिखता है, तो वो मेरी आँख डिटेक्ट कर लेगी। ये देखो ये नॉर्मल आई है, नॉर्मल आई में यहाँ पर रखा था ऑब्जेक्ट, ये आई रे और हमारे रेटिना पे बन गई, लेकिन हमारा जो हाइपरमेट्रोपिक आई है ध्यान से देखो ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा रहेगा ना, ये डॉट डॉट वाली लाइन को देखो, ये डॉट 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 डॉट, तो ये कहाँ जा रहा है, रेटिना से पीछे बन रहा है, लेकिन अगर दूर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो वो परफेक्टली बन रहा है। तो अगर हमने जो डॉट डॉट वाला ऑब्जेक्ट है उसको अगर हमने कुछ भी करके उसकी इमेज यहाँ बनवा दी तो हमारी आँख उसको देख लेगी, इसलिए हम क्या करते हैं हमारा कॉन्वेक्स लेंस को लेते हैं। ये क्या करता है समझ लो, यहाँ हमारा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट रखा था लेकिन ध्यान से देखो ये आई लाइट की रे, ये उसने पीछे ऑब्जेक्ट को बनवा दिया, तो जब पीछे ऑब्जेक्ट बनेगा इसकी नॉर्मल पे, यहाँ जब ऑब्जेक्ट रखा है तो बन नहीं रही, तो इसकी इमेज इसने पीछे बनवा दी, अब पीछे बनवा रही है तो ये हमारा ऑब्जेक्ट रेटिना पे बन जाएगा, तो ये ऑब्जेक्ट या इमेज हमारी रेटिना पे आ जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रेसबायोपिया, ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया इसका सेकेंड नाम है, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं इसलिए याद रखना, ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया इज कॉल्ड प्रेसबायोपिया। तो इट इज़ द डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच द ओल्ड पर्सन कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली ड्यू टू द लॉस ऑफ पावर ऑफ अकोमोडेशन, तो उनका जो पास की जो चीज़ें होती है ना वो भी नहीं दिखती, और इनफैक्ट उनको दूर की भी नहीं दिखती, तो मायोपिया भी हो जाता है और हाइपरमेट्रोपिया भी हो जाता है, ठीक है, इसलिए उनको बायफोकल लेंस अभी अपन करेक्शन में देखेंगे, पहले ये देख लो। सो द नियर पॉइंट ऑफ द ओल्ड पर्सन हैविंग प्रेस बायोपिया ग्रेजुअली रिसीड्स एंड बिकम मच मोर, उनको पास का नहीं दिखता ना इसलिए वो दूर होकर और बड़ा 25 से भी ज़्यादा हो जाता है उनका नियर पॉइंट। कॉजेज देख लो, ग्रेजुअली वीकनिंग ऑफ सीलियरी मसल, उनकी जो सीलियरी मसल है ना वो वीक हो जाती है, या फिर उनकी जो आई लेंस है वो फ्लेक्सिबल नहीं रह पाती बूढ़े होने के टाइम पे। कॉजेज देख लो, यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सूटेबल पावर, यहाँ तो कॉन्वेक्स लेंस यूज़ कर लो अगर सिर्फ आपको हाइपरमेट्रोपिया हो, लेकिन अगर आपको पास का भी नहीं दिख रहा और दूर का भी नहीं दिखना तो आपको बायफोकल लेंस का यूज़ करना पड़ेगा। ये क्या होता है चश्मे में, हमारा जो नीचे वाला हिस्सा होता है ये होती है हमारी कॉन्वेक्स लेंस, और ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ये होता है हमारा कॉन्केव लेंस का, ठीक है। ये ऐसे चश्मे आते हैं, हमने देखा हमारे जो दादा दादी होते हैं ये ऐसे चश्मे लगाते भी, ठीक है। समटाइम्स अ पर्सन वे सफर फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, तो ये दोनों से सफ़र कर रहा है तो उसको क्या लगाना पड़ेगा, हमारा बायफोकल लेंस। आगे देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ द आई इन फ्रंट ऑफ द फेस, हमारी जो आंखें हैं वो हमारे फेस के एकदम सामने, तो हमारी जो आंखें हमारे एकदम फेस के सामने, इसका एडवांटेज क्या है, तो उसके एडवांटेजेस देखते हैं। इट गिव अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, हमारा जैसे कि फेस यहाँ पर है तो हमको पूरा यहाँ से यहाँ तक का व्यू अच्छे से मिल जाता है, पूरा यहाँ का यहाँ तक का नहीं, आई थिंक सो ये फेस है तो पूरा इतने एंगल का व्यू, भले अगर यहाँ का देखने के लिए इतना हिस्सा हमको थोड़ा सा फेस को टिल्ट करना पड़ेगा इस साइड, पर हमको इतना एरिया अच्छे से दिखता है पूरा आगे का हिस्सा।
इट एनहेंसेस द एबिलिटी टू डिटेक्ट फेंट ऑब्जेक्ट. फेंट ऑब्जेक्ट यानी कि धुंधले ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करने में ये हेल्प करता है. इट प्रोवाइड्स थ्री डायमेंशनल व्यू. ये क्वेश्चन तब भी आ सकता है अगर हमको टू आइज क्यों गिवन हो. टू आइज इसलिए गिवन है सोचो, क्योंकि अगर हमारे फेस के ऊपर अगर एक ही आँख होती तो हमारा आँख जो है ना वो सिर्फ 2D ऑब्जेक्ट्स देख पाता, जैसे कि हमारा स्क्वायर रेक्टेंगल. लेकिन हमारे पास टू आइज है, इसके कारण हम 3D चीज़ों को देख पाते हैं. ठीक है, आगे देखते हैं. अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि प्रिज्म के द्वारा रिफ्रैक्शन कैसे होता है. अब रिफ्रैक्शन हमने फर्स्ट चैप्टर में अच्छे से देखा है, फिर छोटा सा रिकैप दे रहा हूँ. अगर हमारा लाइट अगर रेयरर से डेंसर मीडियम पे जाता है तो उसका ये आया लाइट, ये रेयरर से डेंसर मीडियम पे आया तो वो दूर रिफ्रैक्ट हो जाता है. ठीक है, अगर वो रेयर से डेंसर मीडियम में जाता है तो वो पास में आ जाता है. ठीक है, और अगर वो वही उल्टा डेंसर से रेयरर में जाएगा तो वो पास की जगह दूर रिफ्रैक्ट हो जाता है. वही प्रिंसिपल्स हम यूज़ करेंगे प्रिज्म में. प्रिज्म भी क्या होता है, ग्लास से बना होता है. ये इतना हिस्सा ग्लास है और बाहर वाला हिस्सा एयर है. तब जब एयर से ग्लास में जाएगा तो हमारे मीडियम्स का डेंसिटी चेंज होगा, डेंसिटी चेंज होगा तो रिफ्रैक्शन होगा. तो वही अब हमको स्टडी करना है. प्रिज्म, इट इज़ अ पिरामिडिकल पीस ऑफ ग्लास विथ टू ट्राइंगल बेसिस एंड 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सर्फेसेस. प्रिज्म जो होता है ना ऐसा दिखता है, दो ट्राइंगल होते हैं और उसके जो तीन हिस्से हैं ना ये रेक्टेंगल से बने होते हैं. इमेजिन करो सबने देख रखा है. एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है ये पहले मैं समझा देता हूँ कि किस तरह से रिफ्रैक्शन होता है, फिर सारे टॉपिक्स बता दूंगा. ये आती है हमारी इंसिडेंट रे, ये है उसका नॉर्मल. तब रेयरर से डेंसर जा रही है तो नॉर्मल के मतलब नॉर्मल के पास में बेंड हो जाती है. तो ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया. फिर अब ये आई है, अब ये डेंसर टू रेयरर जाएगी तो ये नॉर्मल बनाया तो अब ये दूर बेंड करती है. ये एंगल होता है एंगल ऑफ इमर्जेंस. ये होती है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे. ये है हमारा इतना हिस्सा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये है एंगल ऑफ इमर्जेंस. ठीक है, इतना समझ आ गया. ये दो लाइंस जो ये नॉर्मल है. अब हमारी जो अगर इंसिडेंट रे को मैं आगे बढ़ाऊँ और इमर्जेंट रे को मैं पीछे एक्सटेंड करूँ तो ये जो एंगल मिलता है ये होता है एंगल ऑफ डिविएशन. डिविएशन का सिंबल कुछ इस टाइप का होता है, एंगल ऑफ डेविएशन. ठीक है, यहाँ पर सब लिखा हुआ है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे, एंगल ऑफ प्रिज्म. एंगल ऑफ प्रिज्म बताना भूल गया, ये होता है एंगल ऑफ प्रिज्म. ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ डेविएशन सारे बता दिए मैंने. ठीक है, इसको प्रैक्टिस करना, बार बार ड्रॉ कर कर देखना तो आपकी प्रैक्टिस होगी. बार बार ड्रॉ करोगे तो अच्छे से एग्जाम में बना कर आ पाएंगे हम. एंगल ऑफ प्रिज्म था एंगल ऑफ एंगल बिटवीन टू एडजॉइनिंग लेटरल सर्फेसेस. ये एक लेटरल सर्फेस, ये दूसरी लेटरल सर्फेस, इन दोनों के बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म. ठीक है, एंगल ऑफ डिविएशन बता दिया. अगर हम एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का एंगल. अब डिस्पर्शन देख लो. अब ये देखो, अगर हम वाइट लाइट को प्रिज्म पे डालेंगे तो वाइट लाइट किससे बनी होती है, 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर से. उसके 7 कलर से बनी होती है हमारी लाइट, वाइट लाइट. ठीक है, तो अब देखो हर जो कलर है ना उन सभी की वेवलेंथ जो होती है वो अलग होती है, सभी कलर्स की वेवलेंथ अलग होती है. तो ये जो एंगल ऑफ डिविएशन होता है ना वो सभी वेवलेंथ के लिए अलग होता है. और तो और एंगल ऑफ डिविएशन जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारी वेवलेंथ के, मतलब जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है. जैसे कि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है तो उसका डेविएशन सबसे कम होता है. अब हमारा वॉयलेट ले लो, वॉयलेट जो होता है, सर स्पेलिंग गलत हो गई समझ जाना, इसकी जो वेवलेंथ है वो सबसे कम है लेकिन उसका डिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा होता है. यहाँ देखो एग्जांपल, ये है या वाइट लाइट. ठीक है, ये आगे बढ़ रही है, ये रेड कलर है, ये पीछे इमर्जेंट रे मैंने खींची, ये इंसिडेंट रे. अब इसका एंगल ऑफ इमर्जेंस एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम है लेकिन अगर हम वॉयलेट का कंपेयर करें, फिर से बना दो, ये इंसिडेंट रे, ये हमारी रेड कलर की इमर्जेंट रे है और ये वॉयलेट कलर की इमर्जेंट रे. इसका एंगल ऑफ डेविएशन देखो और इसका एंगल ऑफ डेविएशन देखो, क्योंकि रेड कलर की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है तो उसका एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम है, लेकिन वॉयलेट कलर का सबसे कम वेवलेंथ है तो उसका डेविएशन सबसे ज़्यादा है. ठीक है, क्योंकि इन सभी की वेवलेंथ अलग होती है तो ये अलग अलग हिस्से में उनके वेवलेंथ के अकॉर्डिंग उसको डेविएट कर देती है. ठीक है, तो वो यहाँ पे डिस्पर्शन की डिफाइन लिखी होगी. व्हेन वाइट का लाइट इज पास थ्रू अ ग्लास प्रिज्म इट स्प्लिट्स इनटू 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स टू फॉर्म अ बैंड ऑफ 7 कलर्स. दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डिस्पर्शन. स्पेक्ट्रम, यही हमारा स्पेक्ट्रम. द बैंड ऑफ 7 कलर्स फॉर्म ड्यू टू डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट इज कॉल्ड
स्पेक्ट्रम, इसका एक्रोनिम क्या है, इसको याद कैसे रखेंगे, कौन से 7 कलर्स होंगे, इट इज अ ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स दैट रिप्रेजेंट अ सीक्वेंशियल कलर्स इन स्पेक्ट्रम, उसको याद रख सकते हैं विबक्योर से, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। एंगल ऑफ डिविएशन मैंने बता दिया, ये उल्टा प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के, रेड जो होती है वो लीस्ट डिविएट होती है क्योंकि उसके पास सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है, वॉयलेट सबसे ज़्यादा डिविएट होती है क्योंकि उसके पास सबसे कम वेवलेंथ है। आइजैक न्यूटन जी ने अब क्या करा, उन्होंने दो प्रिज्म रखी इस तरह से, यहाँ से वाइट लाइट डाली, ये हमारा डिस्पर्शन हुआ, फिर अगली प्रिज्म में ये रिकॉम्बिनेशन हो गया वाइट लाइट का। तो ये रिकॉम्बिनेशन ऑफ वाइट लाइट किसने डिस्कवर किया था, आइजैक न्यूटन जी ने। ये देखो इस प्रकार से वाइट लाइट आई यहाँ से हमारी, उसका डिस्पर्शन हुआ, फिर सेकेंड प्रिज्म ने उसको रिकम्बाइन कर दिया और एक ही वाइट लाइट निकली। तो ये फिनोमेना रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट कहलाता है। तो और ये किसने डिस्कवर किया, आइजैक न्यूटन ने। इसके स्टेप्स देख लो, ही पास यानी आइजैक न्यूटन पास थ्रू अ लाइट ग्लास प्रिज्म ही पास सनलाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म टू फॉर्म अ बैंड ऑफ 7 कलर, उन्होंने सनलाइट पास करी 7 कलर्स को फॉर्म करने के लिए। आगे ही ट्राइड टू स्प्लिट द कलर्स फर्दर बाय पुटिंग अनदर प्रिज्म, उनने क्या सोचा था कि चलो इतने जो मेरे को मिले हैं इनके आगे मैं और प्रिज्म लगाता हूँ शायद कि और स्प्लिट हो जाए, लेकिन नहीं, वो तो स्प्लिट होने की बजाय एक ही हो गए अहेड ऑफ द प्रिज्म फॉर्मिंग स्पेक्ट्रम, बट ही फेल्ड, वो और स्प्लिट नहीं हुआ। ही फॉर्म द स्पेक्ट्रम फ्रॉम सनलाइट एंड प्लेस्ड एन आइडेंटिकल बट इन्वर्टेड प्रिज्म इन फ्रंट ऑफ द प्रिज्म फॉर्मिंग द स्पेक्ट्रम, ऑल द 7 कलर्स कंबाइंड इन टू द इन्वर्टेड प्रिज्म एंड इमर्ज एज वाइट लाइट, उन्होंने क्या सोचा था कि ये और थोड़े डिवाइड हो जाएंगे और फैल जाएंगे, लेकिन वो तो फेल हो गए, ये फेल हुए और उन्होंने देखा कि ये जितने भी कलर्स है वो रिकम्बाइंड हो गए। अगला टॉपिक क्या है हमारा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब हमारा जो सरफेस होता है कोई भी चीज़ है, जरूरी अगर ग्लास की चीज़ है तो हमको सब पता है अगर ये ग्लास है ये आए हमारी लाइट रे, ये थोड़ा बहुत रिफ्रैक्ट करेगी फिर रिफ्रैक्ट होगी, लेकिन ज़रूरी नहीं कि रिफ्रैक्ट हो, कभी कभार इंटरनली ये रिफ्लेक्ट भी हो जाती है। तो इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होता है वो हमारा सबसे अच्छा देखा जाता है रेनबो फॉर्मेशन में। इसमें क्या होगा, सनलाइट आती है रेन ड्रॉप, जब रेन ड्रॉप जो होती है ना वो ऐसे ही एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है सस्पेंडेड पार्टिकल्स के रूप में, क्या सस्पेंडेड पार्टिकल यानी कि जो ज़्यादा मूव नहीं कर रहे हो, तो उसमें आई हमारी सनलाइट, ये गिरी, जैसी सनलाइट क्योंकि रेनड्रॉप जो है ना प्रिज्म जैसा काम करने लगती, स्मॉल प्रिज्म जैसा काम करने लगती है हमारी रेनड्रॉप, तो ये जैसी इसमें सनलाइट गिरती है तो ये 7 कलर्स में टूटी, फिर ये बाहर नहीं निकलती है, ठीक है, इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ये अंदर रिफ्लेक्ट हो जाती है और फिर बाहर गिरती है और रेनबो बना लेती है, ठीक है। हमारी सनलाइट आई, रिफ्रैक्ट हुआ, डिस्पर्शन हुआ 7 कलर्स में, फिर एक और इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और ये बाहर रेनबो बना लिया। तो सनलाइट के अपोजिट डायरेक्शन, जहाँ सनलाइट जा रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा रेनबो फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और ये तभी होगा, अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी होगा जब एक क्रिटिकल एंगल पे ये सनलाइट गिरेगी। अगर आप कोई दूसरे एंगल, जैसे कि ये एंगल जो था ये इतने एंगल पे गिरी, अगर मैं कोई दूसरे एंगल पे इसको डाल दूँ, ये इतना बढ़ा दिया, तो शायद हमारा नॉर्मल रिफ्रैक्शन ही होता। When light enters obliquely from a denser medium to a rarer medium and the angle of incidence exceeds critical angle, critical angle से ज़्यादा हो जाए, तो denser medium में जाकर अगर जब वो denser medium में जाएगी तो internal reflection होगा। अब rarer से denser जाए और critical angle से ज़्यादा angle पे वो गिरे तो वो हो जाती है क्या कहते हैं internally reflect। Conditions क्या है भाई, necessary देख लो, light should be entered obliquely from a denser to rarer medium, हमारे डेंसर से वो रेयरर मीडियम में जानी चाहिए, ठीक है, ऑब्लिकली वो भी, ठीक है। आगे देखो, द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड एक्सीड क्रिटिकल एंगल, हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। क्रिटिकल एंगल होता क्या, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, ठीक है, ऐसा एंगल जिसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री हो जाए। ये इंसिडेंट रे आई और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो इंसिडेंट ऐसा एंगल इंसिडेंस का जिससे हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री हो जाए, ठीक है। रेनबो बता दिया, इट इज़ अ नेचुरल स्पेक्ट्रम अपियरिंग इन द स्काई आफ्टर रेन शावर्स, रेनबो इज ऑब्जर्व इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द सन, सनलाइट की डायरेक्शन रेनबो का डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होता है। द थ्री फिनोमेना विच आर इन्वॉल्व इन रेनबो फॉर्मेशन आर डिस्पर्शन रिफ्रैक्शन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हो रहा है हमारा रिफ्रैक्शन भी और डिस्पर्शन, फिर यहाँ हो रहा है इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, यहाँ पर हुआ रिफ्रैक्शन, फिर यहाँ हो रहा है डिस्पर्शन, यहाँ हो रहा है इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, तीन फिनोमेना यहाँ पर यूज होते हैं। सम वाटर ड्रॉपलेट रिमेन सस्पेंडेड, मैंने बताया सस्पेंडेड यानी कि स्टेशनरीली वो वहाँ पर खड़े रहते हैं, दीज ड्रॉपलेट बिहेवियर्स ग्लास प्रिज्म, तो ये ड्रॉपलेट ग्लास प्रिज्म की तरह एक्ट करने लगते हैं।
जब लाइट एंटर करती है इस ड्रॉप में तो यूर सबसे पहले तो रिफ्रैक्ट होती है और डिस्पर्स होती है। क्या जैसी लाइट एंटर करी तो सबसे पहले होगी रिफ्रैक्ट, फिर होगी डिस्पर्स। ठीक है, लाइट एंटर करी यहाँ पर, वो सबसे पहले रिफ्रैक्ट होगी, फिर होगी डिस्पर्स, फिर क्या होगी टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, यही लिखा होगा। फिर देन इट रिफ्लेक्ट्स इंटरनली एंड अगेन रिफ्रैक्ट एज इट कम आउट ऑफ द रेन ड्रॉप। ठीक है, और एक और बार रिफ्रैक्ट होती है, यहाँ हुआ रिफ्रैक्शन, यहाँ हुआ डिस्पर्शन, यहाँ हुआ इंटरनल रिफ्लेक्शन, और यहाँ पर फिर से एक और बार रिफ्रैक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो। यहाँ हुआ रिफ्रैक्शन, देखो यहाँ आ रही थी मुड़ गई, फिर हुआ यहाँ पर डिस्पर्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन और फिर से रिफ्रैक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा जो अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, उसके आसपास है ना बहुत सारी एटमॉस्फियर है, और एक ही एटमॉस्फियर नहीं, उसकी भी अलग अलग लेयर्स होती है। तो जब बाहर है हमारा वैक्यूम, ठीक है, आउटर स्पेस में, और यहाँ एयर, तो वैक्यूम और एयर में एयर डेंसर होती है, तो वैक्यूम से जब लाइट आती है तो यहाँ पे भी हमारा थोड़ा बहुत रिफ्रैक्शन होता है, तो वो कहलाता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। द रिफ्रैक्शन बाय डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। मैंने पढ़ दिया, बता ही दिया। तो इस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण कितनी सारी चीज़ें होती है, देखो। हमारा सबसे पहला अपेरेंट फ्लिकरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड बिहाइंड अ हॉट ऑब्जेक्ट ऑफ फायर। अब देखो जैसे कि कैसे समझाऊं इसको मैं, अगर हम फायर जो होता है, ठीक है, उसके पीछे कुछ ऑब्जेक्ट रख दें तो वो हमको थोड़ा मूविंग सा लगता है, तो ये भी लेयर्स के कारण होता है एटमॉस्फेयर की। ये हमारी फायर होती है, उसके पीछे हम कोई भी ऑब्जेक्ट को रखें तो हमको हल्का हल्का ऐसे मूविंग दिखने लगता है। ठीक है, हमने देखा, ऑब्जर्व करा है, तो ये भी काय के कारण होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। स्टार्स नियर द होराइजन अपीयर स्लाइटली हायर देन इट्स एक्चुअल पोजीशन। ये हमारी अर्थ है, ये हमारा होराइजन है, और ये हमारी एटमॉस्फेयर है। भले ही स्टार यहाँ पर हो, लेकिन उसकी लाइट जो है ना हमको ऐसे बेंड करके पहुँचती है। यहाँ हम खड़े हैं, ठीक है, बहुत बड़ा गंदा सा इंसान बना है। ये स्टार की लाइट आई है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो हम क्या इमेज बनाते हैं, हम स्टार की इमेज बना लेते हैं यहाँ, तो हमको स्टार की एक्चुअल इमेज से हायर वो स्टार दिखने लगता है। एडवांस सनराइज एंड डिलेट सनसेट, आई थिंक सो ये है आगे अच्छे से, हाँ, तो इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा ही। एडवांस सनराइज एंड डिलेट सनसेट, अपेरेंट फ्लटरिंग ऑफ सन्स डिस्क और ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ठीक है, यहाँ आगे देखना ही है। इन ऑब्जेक्ट प्लेस बिहाइंड द फायर और हॉट सर्फेस अपीयर्स टू फ्लिकर देन सीन। द एयर अबव हॉट सर्फेस बिकम्स हॉट एंड राइजेस, द स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाई कूल, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ हॉट। ये आता नहीं है, ये NCERT में गिवन नहीं है, ये 11th का टॉपिक है, तो हम 11th में देख लेंगे। ठीक है, अब भी रहने दो, ये मैंने अपने नोट्स में इसलिए ऐड करा था क्योंकि ये हमको PW में पढ़ा रहे थे, BW से मैं पढ़ता हूँ। स्टार्स वेन सीन नियर होराइजन अपीयर्स स्लाइटली हायर, ये मैंने बता दिया है। ये हमारी एटमॉस्फेयर है, ये ऐसी बेंड करके आई लाइट, तो जिस तरह जहाँ बेंड हुई हम उसके आगे ऑब्जेक्ट को बना लेते हैं, तो स्टार की एक्चुअल पोजीशन से वो थोड़ा हायर हमको दिखता है। ये एक्चुअल है, ये अपेरेंट है, अपेरेंट होती है फेक वाली, एक्चुअल होता है एक्चुअल। ठीक है, ये लिखा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज जनरली इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, हमारा जो एटमॉस्फेयर का रिफ्रैक्शन ना यहाँ पे कम होगा, फिर यहाँ इंक्रीज होता हो, इंक्रीज होकर सबसे पास में जहाँ है वो सबसे ज़्यादा होगा, और सबसे ऊपर सबसे लो होता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो द लाइट कमिंग फ्रॉम अ स्टार नियर द होराइजन हैज़ टू ट्रेवल फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम एंड इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो वो रेयरर, अब क्योंकि हमारा बाहर जो है ये वैक्यूम है और ये हमारा डेंसर एयर है, तो उसको यहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है। एज अ रिजल्ट द स्टार अपीयर्स हायर। एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट देख लो आप, ये मैंने अच्छे से एग्जांपल आपको दे दिया। ये हम खड़े हुए हैं, ये है हमारा होराइजन, सन भले ही नीचे हो लेकिन हमको ऐसे लगता है कि आगे, तो हमको दो मिनट पहले ही सनराइज दिख जाता है भले ही वो होराइजन के नीचे हो। सेम होता है यहाँ पर डिलेड में, अब भले ही सन ऊपर हो, सन अगर नीचे भी चला गया हो ना तो भी हमको ऐसा लगता है कि वो अभी ऊपर ही है, इसके कारण हमको 4 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाते हैं डे में। देखो होराइजन के नीचे अभी सन आया नहीं है ऊपर, बट फिर भी हमको वो पहले ही दिखने लग जाता है क्योंकि ये उसकी अपेरेंट पोजिशन है। वैसे होता है डिलेड में, अभी सन वापस चला भी गया होराइजन के नीचे, बट फिर भी वो हमको दिखेगा उसकी अपेरेंट पोजीशन। ठीक है, उसकी लाइट ऐसे आ रही है पर हम उसकी ड्रॉ करेंगे लाइट इधर बनेगा सन, इसके कारण फिर वो 2 मिनट बाद नीचे जाएगा, 2 मिनट पहले ही ऊपर आ जाएगा, तो ये 2+2 हो जाता है हमारा 4 मिनट। तो हमको 4 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं पर डे, एक्स्ट्रा सनलाइट मिलती है पर डे के लिए। द सन अपीयर्स अबाउट 2 मिनट्स अर्लियर देन इट्स एक्चुअल सनराइज एंड द सन रिमेंस विजिबल फॉर अबाउट 2 मिनट्स आफ्टर द एक्चुअल सनसेट, जो मैंने बोला। वेन द सन इज बिलो होराइजन द रेज हैव टू पास फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम। ठीक है, हमारा वैक्यूम रेयर है, एयर डेंसर है, इसलिए वैक्यूम रेयरर से डेंसर मीडियम पे इसको ट्रेवल करना पड़ता है। तो जो ये रे है, ध्यान से देखो, ये बेंड हो गई, हुई ना बेंड, ध्यान से देखो, ये रे सीधे सीधे आ रही थी, फिर जैसे वैक्यूम है ये बेंड हो गई, तो ये जो बेंड होती है लाइट,
बेंड एज अ रिजल्ट द सन अपीयर्स हायर, तो ये बेंड हुई तो हमने उसको एकदम आगे बना ली, उसकी इमेज आगे बनाने के कारण वो अपेरेंट पोजिशन हायर दिखती है ऑफ टूवर्ड्स द एक्चुअल सन। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स देख लो, क्योंकि हमारी जो एटमोसफियर है वो डिफरेंट लेयर्स में पाई जाती है, तो ये डिफरेंट लेयर्स में पाई जाती है इसके कारण हमारा जो है ना, कभी देखो ये हमारी अर्थ है, ये डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमोसफियर है, ठीक है, ये हमारा स्टार है, ये हम यहाँ पे खड़े हैं, हमको उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये जो लाइट है ना ये ऐसे ऐसे करके रिफ्लेक्ट होके हमारे पास आती है, ठीक है, अलग अलग लेयर से अलग अलग रिफ्रैक्शन होकर हमारे पास पहुँचती है, इसके कारण कभी ये फ्लिकर करता है, कभी बंद हो जाता है, कभी चमकने लगता है। स्टार्स आर वेरी फार फ्रॉम अस सो दे बिहेव एज अ पॉइंट सोर्स, हमको पॉइंट की तरह ये दिखते हैं, ठीक है। सिंस द फिजिकल कंडीशन ऑफ द अर्थ एटमोसफियर इज नॉट कॉन्स्टेंट, स्टार अपीयर टू कम फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन, द रिजल्ट इज द फ्लक्चुएशन, क्योंकि हमारी जो अर्थ की एटमोसफियर है डिफरेंट, ट्रेपोस्फियर, मेसोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, एग्जोस्फियर, मेसोस्फियर, बहुत सारी है। The amount of light coming from stars also vary due to the changing refractive index. सारे refractive index हर layer के अलग होंगे। The star appear bright when more light from star reaches our eye, and the same star appear dull when less amount of light reaches our eye. अगर star कोई angle पे हमको ज़्यादा light दे देता था तो हमको ज़्यादा वो flicker करता है, और अगर कोई दूसरे angle पे उसकी कम light आ रही है तो उसके कारण हमको वो dull दिखाई देता है। Both these effects are responsible for twinkling of stars. Scattering इफेक्ट देख लो, स्केटर होता है कि एक लाइट का कोई लाइट की बीम चलती हुई आ रही, कोई ऑब्जेक्ट से वो हिट करा और वो अलग अलग डायरेक्शन में फैल गई, तो अलग अलग डायरेक्शन में फैलना व्हेन लाइट एंटर हिट अ ऑब्जेक्ट, तो वो जो होता है ना वो कहलाता है स्केटरिंग इफेक्ट। स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इन वेरियस डायरेक्शन बाय कोलॉइडल पार्टिकल्स, ये कोलॉइडल पार्टिकल होना चाहिए, फिर लाइट आके वेरियस डायरेक्शन में चली जाती है। स्केटरिंग जो होती है वो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के, अगर जिस भी ऑब्जेक्ट की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी ना तो उसकी जो स्केटरिंग है वो सबसे कम होगी, वेवलेंथ सब किसकी सबसे ज़्यादा उसकी स्केटरिंग कम, तो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा काय की होती है, रेड कलर की, यानी कि जो समझ लो यहाँ मैंने रेड कलर, वैसे ये है भी रेड ही, ये मैंने यहाँ रखा तो ये सबसे दूर तक दिखा, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में कोलाइडल पार्टिकल है, ये कोलाइडल पार्टिकल उसको स्केटर ही नहीं कर पाते, ये सबसे दूर तक हमको दिखता है, कितना भी दूर चले जाओ रेड कलर हमको सबसे दूरी तक दिखेगा, लेकिन वॉयलेट, वॉयलेट हम यहाँ पर रख रहे हैं, हम थोड़ा दूर जाएंगे तो भी हमको थोड़ा विजिबल नहीं होगा, लेकिन रेड सबसे दूर तक विजिबल होगा। एग्जाम्पल और सर टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट हमने क्लास 9 में भी पढ़ा हुआ है, जब कोलॉइडल पार्टिकल से हमारी लाइट को हम जब भेजते हैं तो यहाँ पे स्कैटर होती है, तो हमको उसका पाथ विजिबल हो जाता है, व्हेन लाइट पासेस थ्रू अ कोलॉइडल पार्टिकल इट बिकम्स विजिबल, सॉरी द पाथ बिकम विजिबल, दिस इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, तो जब लाइट है कोलॉइडल पार्टिकल से टकराती है तो उसका जो पाथ है वो विजिबल हो जाता है, विजिबल दिखने लगता है, तो वही कहलाता है टिंडल इफेक्ट, हमने क्लास 9 में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। पाथ ऑफ लाइट बिकम विजिबल व्हेन लाइट एंटर्स डार्क एंड डस्टी रूम थ्रू सिल्ट ऑफ वेंटिलेटर, हमने देखा है कि कोई रूम है यहाँ पे छोटी सी जगह, वहाँ पे कितनी एक जरा सी जगह से लाइट आ रही, तो पूरे रूम में वो अलग से उसका पूरा पाथ विजिबल होता है। पाथ ऑफ लाइट बिकम विजिबल व्हेन लाइट पासेस थ्रू अ डेंस कैनोपी ऑफ ट्रीज, हमने कैनोपी देखा ट्रीज में से, बहुत सारे पेड़ होते हैं वहाँ से कहीं से लाइट आ रही है, कहीं से ऐसे ऐसे हमने फोटोज़ में बहुत बार देखा हुआ है। आगे देखो, डिपेंडेंस ऑफ कलर ऑफ स्केटरिंग लाइट, ठीक है, इफ़ पार्टिकल्स आर वेरी फाइन द स्केटर मेनली द ब्लू कलर, ब्लू कलर जो होता है ना उसकी वेवलेंथ कम होती है तो वो छोटी साइज वाले पार्टिकल से स्केटर हो जाता है, लेकिन हमारा जो रेड कलर है वो उसकी वेवलेंथ सबसे बड़ी होती है, तो हमारा बड़े पार्टिकल से वो स्कैटर, तो जितनी बड़ी उसकी वेवलेंथ उतने बड़े वाले पार्टिकल से वो स्कैटर करेगा, और जितनी कम उसकी वेवलेंथ हो उतने कम वाले पार्टिकल से वो स्कैटर करेगा, तो ब्लू लाइट जो है ना वो बहुत ही सॉरी इफ पार्टिकल आर वेरी फाइन दे स्कैटर मेनली ब्लू लाइट, तो शॉर्टर वेवलेंथ होती है, मीडियम साइज पार्टिकल स्कैटर मेनली द रेड कलर, जो मीडियम होता है, ठीक है, लॉन्गर वेवलेंथ के लिए, इवन लार्जर पार्टिकल स्कैटर ऑल द कलर्स ऑफ लाइट, और देखो स्मॉल वाले करेंगे ब्लू को, मीडियम वाले करेंगे रेड को, सबसे बड़े वाले जो होते हैं वो तो पूरी व्हाइट कलर को ही कर देते हैं। वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज अबाउट 1.8 टाइम्स देन द ब्लू लाइट, तो ये कभी कभार एमसीक्यू में पूछ लेंगे कि ब्लू से और रेड से कंपैरिजन में रेड कलर की कितनी ज़्यादा होती है वेवलेंथ, 1.8 टाइम्स, ठीक है। आगे देख लो, एंगर साइंस आर मेड इन रेड कलर, एंगर यानी कि या फिर वार्निंग भी बोल सकते हैं, रेड जो वो लीस्ट कलर्ड होता है, लीस्ट स्कैटर्ड कलर होता है, तो वो सबसे कम होता है, तो फॉग और स्मोक में भी वो दूर से देखा जा सकता है लॉन्ग डिस्टेंस से, सो डेंजर साइंस आर मेड इन, या डेंजर ही होगा, या एंगर नहीं डेंजर ही रहेगा, और डी यहाँ पर मैंने लिखा नहीं टाइप करते हुए, सॉरी मैं ही टाइप करता हूँ अपने नोट्स, इसके कारण कलर ऑफ स्काई अपीयर्स ब्लू ऑन अ क्लियर डे, तो ये जो स्काई है ना वो क्लियर अपीयर होता है ऑन अ क्लियर डे, क्योंकि हमारा जो
अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है ना, वो बहुत फाइन पार्टिकल, मैंने बताया फाइन पार्टिकल कौन से कलर को स्कैटर करते हैं, ब्लू कलर को। तो हमारा एटमॉस्फेयर फाइन पार्टिकल्स के लिए, फाइन पार्टिकल से बना है, इसके कारण वो ब्लू कलर को स्कैटर करता है। तो फाइन पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर एंड गैसेस, दीज पार्टिकल्स आर मोर इफेक्टिव इन स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ मेनली ब्लू। सो वहाँ पर हमारा जो स्काई है वो हमको ब्लू दिखाई देता है। अपीयरेंस ऑफ स्काई टू एन एस्ट्रोनॉट, हमारा जब एस्ट्रोनॉट अगर ऊपर से देख रहा होगा ना हमारी अर्थ को, तो उसको जो हमारा स्काई है ना वो डार्क दिखेगा। द स्काई वुड अपीयर डार्क टू द एटमॉस्फेयर टू द एस्ट्रोनॉट इन द स्पेस एंड स्कैटरिंग इज नॉट प्रोमिनेंट, क्योंकि वो वहाँ पर देख रहे हैं जहाँ पर वैक्यूम है, वैक्यूम तो कुछ स्कैटर ही नहीं कर सकते, वैक्यूम में पार्टिकल्स ही नहीं होते। क्लाउड अपीयर्स वाइट, क्लाउड हमको वाइट क्यों दिखते हैं? क्लाउड्स आर फॉर्म बाय वाटर वेपर, वाटर वेपर कंडेंस टू फॉर्म वाटर ड्रॉपलेट्स, ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑल कलर्स ऑफ लाइट आर स्कैटर्ड। अब हमारा जो क्लाउड होता है ना वो वाटर वेपर के कारण वाटर वेपर से बना होता है, ठीक है, कंडेंस होकर हमने पढ़ा हुआ है वाटर साइकिल में। तो इसके पार्टिकल्स जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं, तो इसमें जो भी लाइट आती है ना वो सब कुछ ही स्कैटर कर देता है, पूरी वाइट लाइट को। अब पूरी वाइट लाइट को स्कैटर कर रहा है तो कलर कौन सा दिखेगा? वाइट कलर दिखेगा। कलर ऑफ सन अपीयर रेड ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। अब यहाँ पर देखो हमारा जो सन होता है ना वो जब नून रहती है तो पास में होता है, लेकिन सनराइज और सनसेट के समय वो दूर हो जाता है, ठीक है। तो अब हमारा ये जो एटमॉस्फेयर है इसके टाइनी पार्टिकल्स के पूरा ही ब्लू कलर को स्कैटर कर देते हैं, सभी स्कैटर हो गया, तो फिर बचता कौन सा कलर है? रेड बचता है। वायर सनसेट एंड सनराइज द कलर ऑफ सन इज सन एंड इट्स सराउंडिंग अपीयर रेड ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज द सन इज नियर होराइजन एंड देयरफॉर द सनलाइट हैज टू ट्रेवल लार्जर डिस्टेंस, उसको लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है क्योंकि सन नून के टाइम पे पास होता है और सनराइज और सनसेट के टाइम पे दूर होता है। ड्यू टू दिस मोस्ट ब्लू लाइट जो होती है शॉर्टर वेवलेंथ वाली वो स्कैटर पहले ही हो जाती है, बट द लाइट जो दूर से आ रही है ना वो हमारी रेड कलर की जो लाइट है वो धीरे धीरे ही स्कैटर हो पाती है। मतलब समझ लो ये है हमारा सन यहाँ पे और ये हमारा सन, तो ये करता है वॉयलेट को यहाँ तक स्कैटर कर लिया, फिर इंडिगो को यहाँ तक कर लिया ब्लू। अब जैसे ब्लू पहुँचा हमारा अर्थ आके, लेकिन यहाँ देखो वॉयलेट भी हो गया, इंडिगो भी हो गया, ब्लू भी हो गया, ग्रीन, येल्लो, ऑरेंज, आखिरी में क्या बचा? रेड। एक एक करके सारे कलर स्कैटर होते हैं यहाँ पर, जब पास में होता है तो जैसे ब्लू स्कैटर होता है तभी हमारे एटमॉस्फेयर आ जाती है, लेकिन यहाँ पे वॉयलेट हो गया, इंडिगो हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, येल्लो हो गया, ऑरेंज हो गया, जैसे रेड आया तो ही हमारी एटमॉस्फेयर यहाँ पे पहुंच गई, इसके कारण हमको सनराइज एंड सनसेट पे रेड कलर दिखाई देता है। इसी के साथ ये चैप्टर हो जाता है खत्म। इस नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। फिर भी अगर कोई डाउट आया उस चैप्टर में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आई विल रीड एंड सॉल्व दैट डाउट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय एंड हैव अ नाइस डे।